हाय गाइस, वेलकम बैक। मुझे बहुत सवाल आते थे कि कौन सा ब्रश सेट फॉर बिगिनर्स लेवल लेना चाहिए, तो मैंने ये अमेज़ॉन से लिया है, स्विस ब्यूटी का। चलो ट्राई करते हैं, अब देखते हैं कैसा है। मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ अभी, इस ब्रश सेट को। तो एक एक ब्रश यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसा है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले स्किन केयर करना है। स्किन केयर मेरा हो चुका है, फेस क्रीम वगैरह लगा लिया है, बट प्राइमर अभी तक नहीं लगाया है। ओरिफ्लेम का प्राइमर, ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है। तो ये आपको लगाना है आपके पोर्स जहाँ पे हैं वहाँ पे, आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। इसका मैंने पूरा रिव्यू किया है ओरिफ्लेम के प्राइमर का, तो आप देख सकते हो। थोड़ा सा पुराना वीडियो होगा वो, बट यस, वीडियो इज़ देयर। पहले मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ जहाँ पे पोर्स है, और बाद में बाकी का बचा हुआ मैं लगा लेती हूँ पूरे फेस पे। अब हमें ब्रश यूज़ करना है। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे का ये फाउंडेशन। ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और इसका भी कंप्लीट रिव्यू मैंने किया है। तो फाउंडेशन लगाने से पहले लेट्स सी ब्रशेस कौन कौन से हैं जो हमें यूज़ करने हैं इस सेट से। तो आई थिंक ये जो बफिंग ब्रश दिख रहा है, ऑब्वियसली उसको मैं लेने वाली हूँ फॉर माई फाउंडेशन एप्लीकेशन। ये तो ऑब्वियसली पाउडर कॉन्टोरिंग वगैरह के लिए यूज़ होगा, और ये सारे जो है वो ऑब्वियसली आई मेकअप वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। गाइज, इस पे लिखा हुआ है फाउंडेशन ब्लेंडर ब्रश F06। सो ऑब्वियसली ये फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं अभी, और देखते हैं कि कैसे फाउंडेशन ब्लेंड होता है। लुक्स गुड, ब्लेंड तो हो चुका है। थोड़ा सा ब्रश सोक कर लेता है फाउंडेशन, बट ओवरऑल अच्छे से ब्लेंड हुआ है। अब मैं अंडर आइज़ को जल्दी से थोड़ा सा यूजिंग दिस के ब्यूटी ऑरेंज करेक्टर। तो ये एलेगर्ल का कंसीलर लगा रही हूँ इसके ऊपर। तो इसमें कंसीलर ब्रश है जो लेके मैं ब्लेंड करूँगी इस कंसीलर को। बहुत ज़्यादा लग चुका है गलती से, बट देखते हैं क्या कर सकते हैं। आई फील आई शुड टेक दिस फाउंडेशन ब्रश अगेन एंड ट्राई टू ब्लेंड इट। तो ये वाला ब्रश जो है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप रख दो फॉर आई मेकअप। कंसीलर के लिए मे बी यू कैन जस्ट यूज़ योर हैंड एंड जस्ट ब्लेंड विथ योर फिंगर, एंड देन यू कैन यूज़ दिस ब्रश इफ़ यू वॉन्ट टू कम्प्लीटली ब्लेंड इट आउट। दिस विल बी ओके इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू अप्लाई द कंसीलर प्रॉपरली। मैंने बहुत सारा कंसीलर लिया था, वो भी थोड़ी गलती हुई थी। सो थोड़ा सा हाथ से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ऑब्वियसली आप फेस को सेट करना है आफ्टर फाउंडेशन, तो ये पाउडर ब्रश है सेट में, वही यूज़ करूँगी। और मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी की लूज ट्रांसलूसेंट पाउडर। काफ़ी सॉफ्ट है ये ब्रश, अच्छा लगा मुझे। एंड फॉर अंडर आइज यू कैन अगेन पिंच अ लिटिल बिट एंड जस्ट गो हियर। आई थिंक लेट मी जस्ट कॉन्टोर माई फेस यूजिंग द सेम पाउडर ब्रश, बिकॉज अभी पाउडर तो लगा ली है एंड देर इज़ नो अदर ब्रश फॉर फेस। सो लेट्स यूज दिस फॉर कॉन्टोरिंग। नाउ फॉर कॉन्टोरिंग आई एम गोइंग टू यूज दिस पाउडर। गाइज, दिस इज नायका पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, बट ये थोड़ा सा शेड मेरे लिए डार्क है। सो मैं फेस के लिए पूरा यूज़ करती हूँ, तो मैं थोड़ी टैंड लगती हूँ। सो वट आई डू इज, बिकॉज इट्स लाइक perfect shade for like contouring or bronzing, I use it like that. This brush and this powder I'm taking, और इसमें थोड़ा सा लेके sometimes I really love how it looks on my skin, like that bronzing effect.
Now you can pinch this brush and use it to contour your nose. Okay, now same brush guys I'm using to apply blush, और ये नायका का ब्लश यूज कर रही हूँ एंड दिस साइड लाइक द पिंक वन आई एम टेकिंग. ब्रश इज एक्चुअली गुड क्योंकि काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट पिक कर लेता है एंड देन गेट्स अप्लाइड प्रॉपरली. ओनली प्रॉब्लम नाउ इज कि आपने इसको ब्रॉन्जिंग के लिए यूज़ कर लिया, ब्लश के लिए यूज़ कर लिया, उसके बाद आप इसको फिर से पाउडर से सेट करने जाओगे कहीं पे जैसे अंडर आइज के पास, तो ये ब्लश का कलर वहाँ पे आ सकता है. सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर योर फाउंडेशन ब्रश, टेक लिटिल पाउडर ऑन योर हेयर एंड जस्ट सेट योर अंडर आइज या बाकी एरियाज पे. अब बारी आती है हाइलाइटर की एंड अगेन आई हैव टू यूज़ दिस पाउडर ब्रश क्योंकि बाकी कोई ब्रश है नहीं, तो जस्ट पिंच करना है इसको प्रॉपरली, फ्लैट करना है एंड देन जस्ट टेक योर हाइलाइटर. आई एम यूजिंग दिस के ब्यूटी वाला हाइलाइटर. It worked for highlighter as well, very well actually. So like एक ही ब्रश अगर आप बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप एक वेट क्लॉथ या टॉवल रख सकते हो जिसपे आप थोड़ा सा इसको घुमाओगे तो वो प्रोडक्ट निकल जाएगा, या टिश्यू पेपर. सो दैट वे इफ़ यू हैव लेस ब्रशेज यू कैन वर्क. इसमें ये एक ब्रश है जिस पे लिखा है हाईलाइटिंग एंड लैश, लेकिन मैंने ये इसलिए यूज़ नहीं किया हाइलाइटिंग के लिए या हाइलाइटर के लिए बिकॉज दिस ब्रश इज़ लाइक दिस, लेट मी शो यू. तो एंगुलर ब्रश है ये. सो दिस इफ़ यू कैन यूज़ इट ह्योर लाइक यहाँ पे हाइलाइटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन नॉट फॉर दिस. यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ये ब्रश यूज़ करके यू नो हाइलाइटिंग करने की, बिकॉज देन इट विल बी अ लाइन जो हमें सिर्फ लाइन नहीं दिखानी है. दैट्स वाई आई हैव नॉट यूज्ड इट. दिस साइड इट्स लाइक स्पूली, सो जस्ट मेक इट रेडी फॉर फिलिंग. मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का आईब्रो फिलर, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से है. सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक दिस, यू कैन टेक लिटिल बिट ऑफ दिस ऑन दिस ब्रश बिकॉज ये काफ़ी डार्क हो जाता है, मैंने बहुत बार इसको यूज़ किया है. सो आई थॉट टू यूज़ दिस आईब्रो पाउडर टुडे एंड विद दिस ब्रश. सो थोड़ा सा अगेन यू कैन टेक इट ऑन योर हैंड लाइक दिस बिकॉज इट्स वेरी डार्क, और फिर आप इसको फील करो. So now you can take this side and again do like this so that it will just, you know, look natural. ये आप जिस तरह से चाहो यूज़ कर सकते हो, मैंने इस तरह से यूज़ किया है. अब तक हमने यूज़ किया फाउंडेशन ब्रश जो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करता है फाउंडेशन को, पाउडर ब्रश जो हमने काफ़ी तरह से ट्राई किया, मतलब हाइलाइटिंग ब्लश एंड एवरीथिंग काफ़ी अच्छा लगा. देन हमने कंसीलर ब्रश यूज़ किया है जो हम आई मेकअप में भी इंक्लूड कर सकते हैं एक्चुअली. तो एक है आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश, एक है आई शेडो ब्लेंडर, तो लेट्स ट्राई बोथ ऑफ देम. सो आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये निकाके का आई शेडो पैलेट एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट समथिंग गुड. तो आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी ये वाला, थोड़ा सा छोटा है, इट्स नॉट दैट फ्लफी, बट लेट्स ट्राई. गोइंग टू पिक दिस येलो कलर, ओके, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन माई क्रीज लाइन. ओके, इट्स नॉट अ फ्लफी ब्रश, सो थोड़ा सा आपको ब्लेंडिंग में इशू आएगा, बट ये अप्लाई तो कर रहा है आई शेडो. अब मैं ले रही हूँ ये वाला शेड. एज यू कैन सी गाइज इट अप्लाइज आई शेडो प्रॉपरली, बट ब्लेंडिंग जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है इससे क्योंकि ये थोड़ा सा फैट है और स्टिफ है. तो हम यूज़ करेंगे ये आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश जो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे फ्लफी लग रहा है, इतना भी नहीं है, बट लेट्स ट्राई टू ब्लेंड इट विद दिस. कि ये ब्रश जो सेट है वो बिगिनर्स लेवल के लिए है, तो हमें ऐसा ही आई लुक करना पड़ेगा जो थोड़ा सिंपल रहेगा. वी कांट गो फॉर द लाइक
ऐसा आई लुक जो जिसमें काफ़ी ब्रशेस लगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा क्रीज के पास एप्लीकेशन हो चुका है और उसको थोड़ा ब्लेंड किया है। अब हम लगाते हैं शिमरी शेड, सो लेट्स चूज द शेड। इसी ब्रश के साथ जो आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश है जिससे मैंने ब्लेंड किया है यहाँ पे, वही ब्रश ले रही हूँ और मैं जो शेड आपको दिखाया वो लगा रही हूँ। इट्स फाइन, इट्स अप्लाइंग, बट थोड़ा सा पैक्डली नहीं लगा रहा है ये, तो मैं कंसीलर ब्रश से ट्राई करती हूँ अभी। लुक्स बेटर वेन यू यूज़ योर फिंगर। आई थिंक कुछ शेड्स ऐसे होते हैं आई शेडो के जो आपको हाथ से ही अच्छे से पैट ऑन करने पड़ते हैं। हाउ इट लुक्स, लेट मी कम्प्लीट दिस साइड एंड कम बैक। प्लम का काजल यूज किया है मैंने, अब मैं मस्कारा लगाऊंगी यूजिंग के ब्यूटी मस्कारा विद दिस वेगा कर्लर। आंखें हो चुकी हैं, अब लगा रही हूँ लिपस्टिक, नॉट लिपस्टिक, दिस इज लिप एंड चिक टिंट बाय जस्ट हर्ब्स इन द शेड रोज कोरल, और इसको मैंने आपको दिखाया था इंस्टाग्राम पे। अगर आपने नहीं देखा था इंस्टा पे जाके इसके तीन शेड्स जो मैंने स्वॉच किए हैं वो देख लेना। यहाँ पे हो गया है पूरा लुक कंप्लीट, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ लगा के, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो मैंने बेसिकली ये स्विस ब्यूटी का सेट यूज़ किया है और सारे ब्रशेस यूज़ किए हैं। व्हाट आई कैन से अबाउट दिस इज इसके जो फेस ब्रशेस है बेसिकली ये दो, ये तो परफेक्ट ही है, इससे आपको कोई इशू नहीं आएगा, आप फाउंडेशन ब्लेंड कर पाओगे, पाउडर और सारी जो बाकी की चीज़ें हैं ब्लश वगैरह ये आप अच्छे से लगा पाओगे। आईब्रोज़ के लिए ये अच्छा है, एंड देन फॉर आई मेकअप, इफ़ यू आर डूइंग अ सिंपल आई मेकअप लुक तो ये तीन ब्रशेस आप यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल आई फील इसमें एक ब्लेंडिंग ब्रश होता तो परफेक्ट हो जाता ये सेट, काफ़ी फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश, लेकिन वो नहीं है इसमें। नेवर माइंड, सिर्फ सिंपल आई लुक के लिए ये ठीक रहेगा, लेकिन अगर बहुत सारे कलर्स के साथ आपको खेलना है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन ब्रशेस के साथ, स्पेसिफिकली आईज़ के लिए। अदरवाइज दिस इज़ ओके एट बिगनर्स लेवल, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस ब्रश सेट। नाउ एक्चुअली इसको धोने के बाद अगर फॉल आउट होता है तो वो भी देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी तो कोई फॉल आउट नहीं हुआ है, एक या दो सिर्फ बाल निकले थे बट नॉट मच। धोते वक्त अगर बहुत सारा लाइक ब्रश के ब्रिसल्स निकल रहे हैं तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था और अराउंड 600 मिला था मुझे, मैं देखती हूँ और यहाँ पे फ्लैश आउट कर दूंगी। अगर आपके पास कोई भी ब्रशेस नहीं है और अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा ले, तो डेफिनेटली ये वाला ले सकते हो आप, क्योंकि अगर ब्रशेस ही नहीं है तो ये ब्रशेस काफ़ी काम आएंगे आपको। तो या गाइज, आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिए, बाय बाय।